नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है ऑनलाइन जी के चैनल में। चलिए तो आज मैं बेल्ट्रॉन का सेट नंबर 8 शुरू करने वाले हैं। इसके पहले मैं 6 सेट लोड कर चुका हूँ। 350 से पहले का मैं क्वेश्चन लोड कर चुका हूँ। आज मैं भाग 8 लोड करने वाला हूँ। तो उसका पहला क्वेश्चन आज है, वेब पेज का कलेक्शन क्या कहलाता है, वेबसाइट कहलाता है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नो एग्रीमेंट क्या है, फंक्शन क्या होता है नो एग्रीमेंट का, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका नाउ हो जाएगा आंसर आपका। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए प्लीज़। इसमें BSSC का भी क्वेश्चन मैं लोड कर चुका हूँ, आप लोग उसको भी जाकर देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 353 नंबर, आप कई सारे सेल को मैनेज कर सकते हैं लेकिन मैनेज करने के बाद टैक्स सेंटर में होगा, क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा मैनेज ऑफ सेंटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में दिए गए सेल रेंज में कुल नंबरों की संख्या ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है, आपका आंसर हो जाएगा कंट्रोल का उपयोग करते हैं। 355 नंबर क्वेश्चन है, MS Excel कंट्रोल प्लस W का किसका शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल प्लस W किसका शॉर्टकट की होता है MS Excel में, तो आपका क्लोज फाइल का होता है। वीडियो में देखिए और बने रहिए, लाइक करिए सब्सक्राइब करिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 356 का, वर्ड 2007 में पेज के बारे में जानकारी कैसे देखी जा सकती है, तो पहले आप क्या करिएगा, इसमें लेआउट करिएगा, पेज इन्फो पे जाइएगा, तो आप उसको देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्लाइड के अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए मोशन इफेक्ट अप्लाई करने के लिए आप पावर पॉइंट के कौन से फीचर का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपका एनिमेशन सेम का उपयोग करते हैं, इसका आंसर आपका हो जाएगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में स्लाइड क्षेत्र, तो स्लाइड शॉर्टर व्यू में स्लाइड का प्रदर्शन कैसे करते हैं, तो रो मैरिज ऑर्डर में थंबनेल फॉर्म में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, MS Excel 16 में टैब के तहत सेल के समूह में इंसर्ट विकल्प पर क्लिक करने पर एक वर्कशीट पहले से ही चयनित के सामने दूसरे वर्कशीट को प्रदर्शित किया जा सकता है, इसका आंसर हो जाएगा होम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, MS Excel वर्कशीट में को दबाते हुए एक मोटे सेल बॉर्डर सम्मिलित की जा सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा Alt के साथ H दबाएंगे, B दबाएंगे और T दबाएंगे, सब सम्मिलित होगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है, iOS, UNIX, Linux एवं विंडोज जैसे सॉफ्टवेयर के प्रकार होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा, आंसर तो दिया नहीं है मगर हमको लग रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें हो जाएगा परिचालन। चलिए 362 नंबर क्वेश्चन को आप खुद समझिए। अगला क्वेश्चन है 363 नंबर, एक MS Excel 365 में कॉलम इंसर्ट करने के सही क्रम क्या होता है, तो पहले ड्रॉ करेंगे फिर इंसर्ट करेंगे फिर इंसर्ट सीट कॉलम में जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, PDF का क्या अर्थ होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है PDF का अर्थ। अगला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट को कैसे बंद करते हैं, तो कंट्रोल प्लस W से बंद करते हैं। अगला क्वेश्चन, उपयोग जानकारी प्राप्त करने के लिए डाटा से परिणाम प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इनपुट कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, MS Excel ऑटो कैलकुलेशन मोड डिसेबल हो तो आप फॉर्मूला सेल की वैल्यू को अपडेट कैसे कर सकते हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा F9 प्रेस करेंगे तो आपको वैल्यू अपडेट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक्सेल ऑटोमेटिकल या मैनुअल कैलकुलेशन को कहाँ से बदला जा सकता है, तो गो टू टूल्स ऑप्शन कैलकुलेशन एंड मार्क्स ऑफ कॉरेस्पोंडिंग रेडियो
बॉटम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में कुछ सेल को चेंज करने पर एक कंट्रोल प्लस एक्स प्रेस करने पर क्या होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा द सेल सेलेक्टेड द मार्केट ऑफ कटिंग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यह स्वीकार है कि एक बड़े टैक्स को एडजस्टमेंट सेल में रखने दे यदि नो डाटा विल बी कंसेड इन द ऑब्जेक्ट सेल हो जाएगा आंसर आपका। अगला क्वेश्चन है, डाटा के कॉलम को रो में बदलने के लिए आप कौन से कमांड को चूज करेंगे? तो एडिट करेंगे, पुश करेंगे, स्पेशल करेंगे, उसके बाद ट्रांसपोर्ट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा सेल पॉइंटर दर्शाता है कि आप सेलेक्टेड बना सकते हैं? इसका आंसर आपका हो जाएगा डॉक्यूमेंट सिंबल बिग पल्स हो जाएगा। किसी प्रोग्राम की लाइनों के बीच के स्पेस को बढ़ाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर आपका हो जाएगा लाइन स्पेस हो जाएगा, लाइन स्पेस को सेलेक्ट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्यू मेन्यू में सेपरेट ऑप्शन का क्या कार्य होता है? व्यू मेन्यू स्लिप एक्शन का क्या कार्य होता है? तो एक विंडोज को दो भागों में बांटना होता है। अगला क्वेश्चन है, नए डॉक्यूमेंट तैयार करने खोलने के बाद खोलने के लिए शॉर्टकट की का क्या इस्तेमाल करेंगे? नया डॉक्यूमेंट को जब खोलने के लिए रहेगा तो क्या चीज़ प्रेस करेंगे? शॉर्टकट की में कंट्रोल के साथ एन दबाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, एड नोट को पेज में जोड़ा जाता है प्रोग्राफ पैराग्राफ के अंत में। आप लोग बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल ऑफिस में मिनिमम तथा मैक्सिमम जूम साइट कितना होता है? तो 10 से 500 तक होता है मिनिमम और मैक्सिमम। चलिए अगला क्वेश्चन है, 378 नंबर वर्कबुक के साथ सेव किए गए वैल्यू के एक विशिष्ट सेट को कौन संदर्भित करता है? सेंसिटिव करता है, सेंसिटिव। चलिए अगला क्वेश्चन है, निर्मित विनिर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेक्ट जिसे यूज चेक या इरेज नहीं कर सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा केवल रीड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा कुंजी है जो कंप्यूटर की मेमोरी की सूचना और स्क्रीन से करेक्टेड को मिटा देती है? तो आपका डिलीट हो जाएगा, मिटा देती है, डिलीट करते हैं तो मिट जाता है। अगला क्वेश्चन है, टेक्स्ट को बनाने के लिए बी पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है? बोल्ड हो जाएगा। जब बी पर हम क्लिक करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज होता है लैंग्वेज के जावा से ही कंप्यूटर लैंग्वेज के हम कर सकते हैं इंटरनेट पर। अगला क्वेश्चन है, यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच के इंटरसेक्ट के तरीके को कौन कंट्रोल करता है? तो आपका यूजर इंटरफेस कंट्रोल करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में फाइल खोलने और बंद करने के लिए किस बार का प्रयोग किया जाता है? स्टेटेड बार का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो डिस्क में रखी सूचना को पढ़ती है और कंप्यूटर की मेमोरी में ट्रांसफ़र करती है? वो क्या होता है? डिस्क ड्राइव होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड पर पाए जाने वाले कोई अक्षर संख्या और प्रतीक क्या कहलाता है जिसे आप कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं? कैरेक्टर ऐसा चीज़ है जिसे कंप्यूटर में हम टाइप करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्लिंकिंग इंडिकेटेड होता है जो वह बताता है कि आपका अगला एक्शन कहाँ होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा इसका कर्सर ही बताएगा तो आपका अगला एक्शन कहाँ पे आप क्लिक करने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो कदम कभी कट या कॉपी किया गया हो उसे इंसर्ट पॉइंट पर क्लिप बोर्ड कनेक्ट की कॉपी को इंसर्ट करने को कहते हैं? क्या कहते हैं? पेस्ट करते हैं वही इंसर्ट करने का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस कमांड का प्रयोग टेक्स्ट या ग्राफिक को हटाने के लिए किया जाता है, इसके बाद सूचना को क्लिक बोर्ड में स्टोर किया जाता है ताकि उसे पेस्ट किया जा सके। कट करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा, कॉपी पेस्ट कट से ही होता है। अगला क्वेश्चन है, टेक्स्ट हाईलाइट कर कि एडिट मेनू में कॉपी क्लिक करने पर क्या होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा
टैक्स डॉक्यूमेंट से कॉपी हो के क्लिपबोर्ड पर रखा जाएगा। चलिए 391 नंबर क्वेश्चन है, आपके कंप्यूटर में बनी परमानेंट मेमोरी को क्या कहा जाता है? रैम कहा जाता है, जो कंप्यूटर में होता है उसको रैम बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक नियंत्रित करने के लिए उपयोगकर्ता आपकी वर्कबुक की संरचना के अंदर वर्कशीट के साथ किस तरह कार्य करें, इसके लिए किसका उपयोग करते हैं करना चाहिए? वर्कबुक स्तर की सूचना को करना चाहिए। 93 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी टेक्नोलॉजी को उपयोग बैंकों द्वारा चेक की प्रक्रिया के लिए किया जाता है? माइक्रो का उपयोग करते हैं प्रक्रिया के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 394 नंबर, 241 12 23 इतना में इज क्लास आईपी क्या एडेड होता है, इसमें ई दर्शाते हैं आईपी एडेड में। चलिए अगला क्वेश्चन है, बजट और वित्तीय प्रतिवेदन के जैसे अंकीय डेटा को संगठित विश्लेषण व आलेखन करने वाले प्रोग्राम कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? स्प्रेडशीट कहलाते हैं। आपका 395 नंबर क्वेश्चन है, लाइक और सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करके बताइए वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है 396 नंबर, वर्ल्ड एमएस वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय कौन सा वैध विकल्प नहीं है जो उपयोग उपलब्ध होता है? इन एक्सपोर्टेड होता है, एक्सपोर्टेड। अगला क्वेश्चन 197 नंबर, एमएस एक्सेल में सेल स्टाइल फीचर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपका आंसर हो जाएगा, इससे पंक्ति की ऊंचाई या स्तंभ की चौड़ाई परिवर्तित होता है। आयु डिवाइस सीधे मदरबोर्ड से जुड़े इलेक्ट्रॉनिकल मॉड्यूल से जुड़े होते हैं जिन्हें कहा जाता है डिवाइस कंट्रोलर। आंसर आपका हो जाएगा क्या? डिवाइस कंट्रोलर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि एक स्थिति सही है दूसरा गलत है तो एक वैल्यू वापस पाने के लिए एमएस एक्सेल में प्रकार के फंक्शन का उपयोग करते हैं? लॉजिकल का उपयोग करते हैं, लॉजिकल आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अंतिम क्वेश्चन है आज का सेट का भाग का, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कार्यकर्ताओं के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो आपका आंसर हो जाएगा, किसी वर्कबुक का अंतिम वर्कशीट किसी अन्य वर्कबुक में कॉपी नहीं किया जा सकता। चलिए यहाँ पे भाग आज 8 समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।